हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे इलॉय, वो समझ रहा है कि ये खेल है। ओ, मुझे तो इस खेल में बहुत मजा आ रहा है। ट्रिक्सी, कॉर्ड, पकड़ो उसे। अब कॉर्ड तो अपना कमाल दिखाएगा और ये उसे अभी पकड़ना मुश्किल है। जरा सोचो क्या होगा जब वो ट्रांसफॉर्म होगा। अरे उसे पकड़ते पकड़ते हम पागल हो जाएंगे, उस गहरी खाई के पास नहीं जा पाएंगे। जरूर करेंगे ब्रॉन्टो, क्योंकि मैंने हमारे सारे मेकअप बीस्ट को अपग्रेड किया है। मुझे नई नई चीजों से बहुत चिढ़ आती है। क्या तुम हिलना बंद करोगे प्रोटो? ये बस अब देखा, मैंने कहा था ना कि ये मकड़ी के जाल वाले स्लग्स कोई काम के नहीं आए। हाँ, पर आज उसने ही हमारी जान बचाई। अगर जाल नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। मुझे तुम्हारी मैकेनिकल स्किल्स पर शक हो रहा जी। हाँ, तुम तो मेकाबीज गुरु थे ना, हुआ क्या? मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये मेरी गलती नहीं थी। अगर प्रॉन्टो पर कम शरारता करते तो बहुत सही होता अकॉर्डमिया। तुम्हारा मजाक उड़ाकर टाइम वेस्ट नहीं करता। शायद इससे पता चले। गिव कॉर्न, आराम करते हैं। सैंडविच। कुछ कह नहीं सकते प्रॉन्टो, मुझे नहीं लगता कॉर्ड ने वक्त बर्बाद किया। पर मेकअप बीस्ट को आखिर हुआ क्या? वो अचानक बीच में ऐसे रुक क्यों गए? मैं उन्हें एक बार फिर से चेक करता हूँ। तो वो कनेक्टर्स चेक कर लिए हैं, पावर ट्रांसमिशन भी ठीक है, थर्मो कपलर्स भी ठीक से चल रहे हैं। अब तो मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। मेरा दोस्त ग्रेंडल वेस्टर्न मेक फोर्ज में हेड इंजीनियर है, इसलिए मुझे सबसे पहले सर्विस अपग्रेड्स मिलते हैं। हमारे मेकअप बीस्ट अब ठीक होने चाहिए। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। क्यों ना हम इन्हें फोर्ज के पास ले जाए, शायद वो प्रॉब्लम का पता लगा पाए। मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी इलाई। केप्ट्रोल एक जहरीला स्लग खा सकता है, पर ये नहीं मान सकता कि वो एक बुरा मैकेनिक है। कॉर्ड, तुम्हें इस बात को मानना ही होगा। और वैसे भी तुम एक हीरो कहलाओगे अगर तुमने फोर्ड को साबित कर दिया कि हमारे मेकअप इसमें प्रॉब्लम है। हाँ शायद। तो फिर ये बात तय हो गई। मुश्किलों का सामना भले ही मुझे करना पड़े, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को वेस्टर्न फोर्स पहुँचा के चलूंगा। वाह, कितनी बड़ी फैक्ट्री है। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं वेस्टर्न फोर्स तक पहुँचा के चलूंगा। हाँ, वैसे यहाँ आने के लिए सारे रास्ते में निशान लगे थे, और ये इतना बड़ा है कि कोई भी देख सकता है, और फिर भी मैंने अकेले ढूंढ लिया। हम यहाँ ग्रेंडल से मिलने आए हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हम यहाँ के हेड इंजीनियर से मिलने आए हैं। आप बहुत ही लकी हैं, वो मैं ही हूँ। मेरा नाम है डेरियस, मैं यहाँ का नया हेड इंजीनियर हूँ। पर ग्रेंडल को क्या हुआ? वो अब इस कंपनी में काम नहीं करता। नहीं करता?
क्या आप में से कोई हमारे मेकास को चेक कर सकता है? इनकी वजह से आज हम खाई में घिरने ही वाले थे। क्या सच में? मैंने इंटरलिंक सर्वर्स को रीएडजस्ट किया, हाइड्रोलिक्स को धोया और प्रेशर सील्स को भी बदल कर देखा। पर क्या तुमने स्विच ऑन किया था? मजाक कर रहा हूँ। तुमने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम कल से शुरू हुए थे? मैंने इन स्पेयर पार्ट्स को पिछले हफ्ते ही डाला था और सभी को चेक भी किया। एक मिनट रुको, तुमने इसे पहले से ही अपग्रेड किया है, ये कैसे मुमकिन है? मैं एडवांस फील्ड टेस्टर हूँ, नए पार्ट्स मेरे पास हमेशा आते रहते हैं, वो भी सबसे पहले। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सुनो, सारे मेकास को लेवल 3 डायग्नोस्टिक दो, ऊपर से नीचे। यस सर। तो क्यों ना हम अब आपकी फैक्ट्री देखें? मुझे देखना यहाँ और क्या बनता है। वो ग्रंडल तो हमेशा हमें दिखाता था। तो फिर मैं आपको अपनी फैक्ट्री दिखा ही देता हूँ। और अब हमारा सारा सामान पूरब की गुफाओं से आता है। हर महीने 4,000 टन स्टील को पिघला कर हम यहाँ पर साफ करते हैं और हम एक भी बूंद वेस्ट नहीं करते। उसे छूना मत, छूओगे तो तुम्हारे सिर पर पिघलाया हुआ लोहा गिरेगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं जी, मैं अपने सिर से बहुत खुश हूँ। जरूर उसी समय का 20 पावर मिलती होगी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे स्लग्स को मिलती है। सुंदर है ना? मुझे पता नहीं ये कैसे करते हैं। मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करके। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इंटेलिजेंट हो। तो क्या यहीं पर स्लग तेरा के सारे मेकाबीज बनते हैं? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। वाओ, उम्मीद है हमारे मेकाबीज के साथ जो हुआ है वो बाकियों के साथ ना हो। डरो मत, हम वो प्रॉब्लम ढूंढ निकालेंगे। अगर मेकाबीज नहीं होंगे तो स्लग टेरा में लोगों के पास भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और सबको डॉक्टर ब्लैक की स्लग टेरानियन एक्सप्रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए, है ना? तुम लेट हो। पिछली बार जिसने मुझे इंतजार कराया था वो आज इस दुनिया में नहीं है। क्या डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मेरी जान बच गई, इतना ही काफी है। मुझे फिर कभी वहाँ मत भेजिएगा डॉक्टर ब्लैक, वो जगह मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। ऐसे लोग मेरी किस्मत में ही लिखे हैं। जाओ अंदर ले जाओ। चलो देखते हैं इनमें कितना दम है। एक और कमाल का बैच। अब मुझे लगने लगा है जैसे हम गुल्स की फौज बना सकते हैं, वो भी अनंत। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मेका बीस्ट्स को हम बड़े ही ध्यान से और प्यार से बनाते हैं, इसलिए आप सबको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस इतना ही? क्या तुम हमें वो जगह नहीं दिखाओगे जहाँ इन मेकास की फाइनल फिटिंग होती है? अब वो जगह भी बंद है। मैं आप लोगों को स्पेशल स्टोर दिखा सकता हूँ जहाँ आप मैंगो मिल्क शेक पी सकते हो। वैसे तो मैं मैंगो शेक नहीं पीता जी, पर अगर तुम मुझे पीने के लिए ललकार रहे हो तो मैं जरूर पीऊंगा। मुझे लगता है ये हमसे कुछ छुपा रहा है, मुझे इस पर भरोसा नहीं। छोड़ो जी, जो खाने पीने के लिए बुला रहा हो दुश्मन कैसे हो सकता। तुम बताओगे कि ग्रंडल ने ये काम क्यों छोड़ा? उसे ये काम बहुत पसंद था। आप लोगों को नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हैं? वह नीचे क्या है? सिर्फ स्पेयर पार्ट्स। हे, मिल्कशेक किसे चाहिए? ओह, मुझे मेरे चाहिए। चलो प्रॉन्टो, मुझे देखते हैं वहाँ क्या है। पीना है जी, क्या कर रही है? ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी इस तरफ से आओ। प्रॉन्टो एक चीज में सबसे माहिर है जी, और वो है मुसीबत से बचना। सामने देखो, उससे बड़ी मुसीबत आ रही है। मुझे छोड़ना मत दोस्त, मुझे छोड़ना मत। अलविदा मेरे दोस्त। मैं भी यही सोच रहा था बॉबी। ये तुम क्या कर रहे हो?
इसका जवाब आग से दे रहा हूँ। बैकड्रॉप। मुझे तुम्हारी छुम्मी लेनी है जी। स्लग, मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? टेक लॉग अल्फा जी रिकॉर्डिंग, घोल्स बनाना शुरू कर रहा हूं। मेकअप बीच को घूल्स बना रहे हैं, ये जरूर ब्लैक का काम होगा। बिल्कुल सही, हम यहाँ घूल्स ही बना रहे हैं, पर ये सब देखने के लिए तुम यहाँ नहीं बचोगे। लो हम पहुँच गए, तुम जितना चाहो उतना मिल्क शेक पी लो। एक मिनट, वो दोनों कहाँ गए? अटेंशन, आठवीं मंजिल पर घुस पैटियां घुस गए हैं। तुम कोई इंजीनियर नहीं हो, मैंने सच कहा क्यों? होशियारी करने की सोचना भी मत। होशियारी? वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वैसे भी मेरे साथी को इस शब्द का मतलब भी नहीं पता। मुझे पता होना चाहिए था कि मेरा साथी ही मुझे ऐसी मुसीबत में डालेगा। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो जी। बल्कि मुझे नहीं लगता कि मेरे साथी को ये भी पता है कि उसके पास दिमाग है या नहीं। मुंह बंद करो जी, मुझे पता है कि मेरे पास दिमाग है। और कान खोल कर सुन लो कि अगर इसके बाद तुमने मेरी बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई जाने से तुम्हारी तकलीफ और बढ़ेगी। ईलाई, मुझे लगता है कि हमें चुपचाप यहाँ से भाग लेना चाहिए। हमें बचाओ, इसने क्या कर दिया? तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो जी। इस तरफ से। सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? नहीं। क्योंकि तुम मेरी तरह नाक से सुन नहीं सकते ना। ये आ रही है उस तरफ से, गंदगी धोने का सामान। यहाँ कुछ जानवर रखे हैं, यहाँ ग्रीस है। और मुझे लगता है कि इस दरवाजे के पीछे तुम्हें कुछ काम की चीज मिल जाएगी, वो भी सब मेरे करामाती नाक की वजह से। बहुत बढ़िया प्रॉन्टो। क्या बात है, तुम्हें यहाँ जबरदस्ती घुसकर दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। तुम्हें लगा कि तुम मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? तुम ब्लैक के लिए काम कर रहे हो, सही कहा ना? बहुत अच्छे। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि डॉक्टर ब्लैक को अधूरे काम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे तुम दोनों को सबक सिखाना होगा, समझ गए? तुम्हारा खेल खत्म समझो, अब बच के कहाँ जाओगे? तुमने हमें बड़े सही वक्त पर ढूंढ लिया। मैंने कुछ और भी ढूंढा है, देखो मुझे बेसमेंट में कौन बंधा हुआ मिला। रेंडल, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई दोस्त। ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है मेरे दोस्त। इससे पहले कि वो उन करप्ट मेका बीस्ट को स्लॉग टेरा में छोड़ दे, हमें उन्हें रोकना होगा। रेंडल सही कह रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। ओ, शायद बहुत देर हो चुकी है। ग्रेंडल, क्या थोड़ी देर इन्हें रोक सकते हो? ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तुम मेरे साथ आओ। कोई मत आएगा यहाँ, चल कह रहा है। मैं कभी इसको घूल में बदल रहा है। क्या? पर मशीन को गोल्स कैसे बना सकते हैं? वो उनके मेन इंजन की एनर्जी को करप्ट कर देते हैं, मैंने उन्हें ये करते हुए देखा है। तो हमारे मेकास के साथ क्या होगा? सबसे पहले तो वो अजीब बर्ताव करेंगे, उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, और फिर ब्लास्ट। उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं एक बुरा मैकेनिक हूँ, ऐसा मुझे एहसास दिलाया। हाँ, और अब ये ब्लास्ट होने वाली चीज भी। वो उन
अपग्रेड्स को लोगों पर हमला करने के लिए भेजेंगे। ऐसा नहीं होगा, हम इस जगह को बंद कर देंगे, पर पहले हमें अपने मेकास को बचाना होगा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ, कोशिश कर भी लूँ पर तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। यह शायद नहीं प्रॉन्टो, तुम कुछ कर सकते हो डॉक? छोड़ना नहीं उन्हें। ट्रिक्सी गॉड, मुझे कवर करो। हमारे स्लग्स उनके मेका बीस्ट को खरोच तक नहीं रहे। देखा मेरा कमाल, हमें जल्दी कुछ करना होगा। आराम से शांत हो जाओ। तुमने कर दिया, क्या तुम ये दोबारा कर सकते हो? रिलैक्स बूमर। चलो चले। तुमने अपने मेका बीस्ट को ठीक कर दिया, बहुत अच्छे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर ब्लैक को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा जब हम तुम्हें गलत साबित करेंगे। अब लोग हट जाओ, कौन तो तुम्हें बचाएगा। ये तो बहुत ही बेकार बीस्ट है। इसके पहले कभी इतना भारी मुक्का खाया है? तो तुम क्या कह रहे थे? अरे भावा, मुझे लगा था कि तुम ठीक हो गए हो। मेरी बात सुनो, भाग लो इससे पहले कि ये फट जाए। असल में वो सब मैंने किया है, मैंने ये खास मौके के लिए बचा कर रखा था। तुम और तुम्हारा बढ़िया मजाक। ओ, मुझे तुम्हारी पप्पी ले रही है जी। अभी जाने दो, फिर कभी ले लूंगा। डॉक, आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, हमारे मेकाबीस को बचाने के लिए शुक्रिया। ये आखिरी वाला था, बहुत बढ़िया डॉक। जब ये बात खुलेगी तब डॉक्टर ब्लैक का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि स्लग तेरा में शेन अब वापस आ गया है। हाँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैंने सब लोगों को बचा लिया। एक और बदबूदार विस्फोट मजे के लिए, घर जाते वक्त के लिए बचा के रखो। मैं समझ गया, ब्लैक ने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो? मेरे इंजीनियर्स उनसे निपटने के लिए काम पर लग चुके हैं। ब्लैक के पास भले ही नए तरीके होंगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें कभी भी इन मेकर्स को बिगाड़ने नहीं दूंगा। लगता है मेका बीस्ट को करप्ट करने का हमारा भांडा फूट गया, बहुत बुरा हुआ। हमें अगली बार थोड़ी और कोशिश करनी होगी, है ना?
ये हुई ना बात, वो इस जीत पर भले ही खुशी। बिल्कुल नहीं, उत्पत्ति बढ़ा दो, मुझे और गुल्स चाहिए होंगे, बहुत ज्यादा गुल्स।